हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकुल आर्ट्स पे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिफरेंट टाइप्स की शेडिंग्स के बारे में कि आप किस किस तरीके से शेडिंग कर सकते हैं जिससे आपको बहुत इजीली शेडिंग करना आ जाए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि किसी भी ड्राइंग को एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए उसमें प्रॉपर तरीके से शेडिंग करना बहुत जरूरी होता है। ड्राइंग के अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइप की शेडिंग्स की जाती है। तो चलिए फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो है हैचिंग। आपको सिर्फ हैचिंग मतलब लाइंस लगानी रहती है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ। इसमें भी आपको लेयर वाइज लेयर काम करना रहता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, मतलब जितना भी आपको डार्क बनाना है उतनी ज़्यादा लेयर। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी है, इसमें स्ट्रोक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगा रहा है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है क्रॉस हैचिंग। इसमें भी आपको हैचिंग की तरह सिर्फ लाइंस ही लगानी है, लेकिन इसमें आपको मल्टीपल डायरेक्शन में लाइंस लगानी रहती है। इसमें भी लेयर वाइज लेयर ही काम करना पड़ता है, जितना डार्क चाहिए उतने ज़्यादा लेयर। नेक्स्ट है कॉन्टरिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शेडिंग है। इसमें आपको शेप के हिसाब से स्ट्रोक लगाने रहते हैं। इसमें आप शेडिंग के बाद चाहे तो ब्लेंडिंग टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको लेयर वाइज लेयर ही काम करना रहता है। वैसे तो सभी शेडिंग्स में आपको लेयर वाइज लेयर ही काम करना रहता है, जितना डार्क चाहिए उतने ज्यादा लेयर्स। नेक्स्ट है क्रॉस कंट्रोल। इसको भी आप कॉन्ट्रिंग की तरह ही यूज में ले सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें भी आप क्रॉस हैचिंग की तरह डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर शेडिंग। ये बड़ा ही दिलचस्प शेडिंग है। इसमें आपको सर्कुलर मोशन में गोल गोल सर्कल बनाना है। इसमें भी आपको जितना डार्क चाहिए उतने लेयर टू लेयर काम करना रहता है। आगे नेक्स्ट है रैंडम लाइंस। इसमें भी आपको रैंडमली लाइंस बनानी रहती है, जैसे हमने सर्कुलर शेडिंग में सर्कल बनाए थे कुछ इस तरह से, जैसे मैं बना रहा हूं। नेक्स्ट है स्टिपलिंग शेडिंग। एक्चुअल में ये शेडिंग थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट करके पूरी ड्राइंग की डेप्थ को दिखाना रहता है।
आगे नेक्स्ट है बास्केट शेडिंग। इस शेडिंग में हमें कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। यह शेडिंग दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। आगे नेक्स्ट है डायरेक्शनल शेडिंग। इस शेडिंग में भी हमें लाइन के द्वारा ही शेडिंग करनी रहती है, लेकिन एक बार जब हम जिस डायरेक्शन में लाइन लगाएंगे उसके ऑपोजिट दूसरी लाइन्स लगानी है। नेक्स्ट है नॉर्मल शेडिंग। ये शेडिंग ज़्यादातर यूज होती है। ये शेडिंग से हम काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लुक ला सकते हैं। इस शेडिंग में हमें पेंसिल को स्लांट रखनी पड़ती है और हल्के हाथ से शेडिंग करना पड़ता है। इसमें भी लेयर टू लेयर ही काम करना पड़ता है। जितना हमको डार्क चाहिए उस हिसाब से उतने लेयर चढ़ाने पड़ते हैं। उसके आगे है नेक्स्ट स्मज शेडिंग। ये शेडिंग भी नॉर्मल शेडिंग की तरह ही है। इसमें भी हल्के हाथ से शेडिंग की जाती है और जितना डार्क चाहिए उतने हिसाब से लेयर टू लेयर काम करना पड़ता है। ये शेडिंग में ब्लेंडिंग टूल का यूज होता है, जिसकी वजह से ये और रियलिस्टिक लगने लगते हैं। तो ये थी शेडिंग की कुछ टेक्निक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।